गुरु प्यारी साध संगत जी, अज आप धन धन बाबा आनंद सिंह जी जदों के वो संसार तो शरीर करके चले गए अते उन्हां दे जान तो 34 साल बाद एक चमत्कार होया, वो चमत्कार आप नाल सांझा कर रहे हैं। ये साखी कर्नल प्रताप सिंह जी जसपाल, उन्होंने बाबा जी का इतिहास लिखिया समस्त इलाही जोत भाग तीजे दे पन्ना 37 ते लिखी है। यह ब्रिगेडियर कर्नल प्रताप सिंह जी, सरदार नरेंद्र सिंह जी SP, जो कि बाबा नानक सिंह जी दे बहुत ही निकटवर्ती संगी होए हन, अते बाबा जी नाल बहुत उन्हां दे कौतक होए, वह भी आपां अगे दर्ज करांगे। वो जदों भी बाबा जी दे चरणां विच हाजर हुंदे सन ते इदां ही पढ़दे सन, मैं कुत्ता बाबे नंद सिंह दा डिप्टी मेरा नाम। उन्हां दे सपुत्र कर्नल प्रताप सिंह जी जसपाल ने बाबा जी का इतिहास लिखिया, जो बड़े प्रेम ते प्यार दे नाल, बड़ी श्रद्धा दे नाल ये इतिहास लिखिया है। अते इस साखी नूं पढ़ सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अते बाबा जी उपर श्रद्धा प्रपक हो जाती है। एक सरदार कर्नल PS सोंधी, जो कि फिरोजपुर यूनिट विच मेजर दे तौर पर तैनात है, घरों तार आई कि तेरे घर बेटी ने जन्म लिया है, इसलिए घरे आ जा। तो उसने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, घर जाने की तैयारी कर रहा सी। इसे यूनिट का एक कप्तान जलंधर RG ड्यूटी पर जा रहा सी, तां उसने आख्या कि लुधियाने तक मेरे नाल चल। तां ये फिरोजपुर तो लुधियाने वल नूं तुर पए। जदों जगराओं के नेड़े कुछ मील पहला लोकां दा बहुत वड्डा इकट्ठ देखिया ते सोचिया कि इत्थे इतना इकट्ठ क्यों है, तां ड्राइवर ने दस्या कि इत्थे एक महान अते प्रसिद्ध महात्मा ने एक अनोखी किस्म की तपस्या की है, ते अज पूर्णमाशी का दिन है, ते ये वड्डी गिणती विच संगतां इत्थे पहुँच के सारी रात जागणगियां ते कथा कीर्तन सरवण करनगियां। ड्राइवर ने दस्या कि वह पहलां भी इस स्थान के दर्शन कर चुकिया है, तां इन्हां ने भी दर्शन करन दा मन बनाया ते ड्राइवर नूं आखिया कि इधर लै चल। ये सारे गुरद्वारा साहब के अंदर गए, दर्शन मेला किया, तो फिर सचखंड श्री घोरा साहब के दर्शनों की इच्छा प्रगट की। सचखंड के बाहर एक सेवादार ने रुकिया तो आख्या पहला यह लगे नोटिस बोर्ड में पढ़ लिया जाए, क्योंकि सचखंड के दर्शनों की भेटा है, ये भेटा कोई माया की नहीं है, ये अनोखी बेटा है। साध संगत इहो तां फर्क है, इहो तां इत्थों दी अनोखी मर्यादा है। बेटा की है, महीने विच एक पाठ श्री गुरु ग्रंथ साहब का करे जा करावे, जां 50 पाठ श्री सुखमनी साहब के महीने विच करे, जां मूल मंत्र नानक होसी पीसा जी तक 108 मणके दियां 6 माला रोज दियां फेरे, जा 108 मणके दियां 80 माला वाहिगुरु वाहिगुरु दियां रोज दियां करे एक महीना पर। जे हिंदू भरा है तो वह 160 माला राम राम दियां 108 मणके दियां रोज दियां फेरे, जे मुसलमान है तो 160 माला अल्लाह अल्लाह दियां फेरे। यह इतना जप तप करना पवेगा जिसने सचखंड श्री भोरा साहब के दर्शन करने हों। पर एक माघ का महीना हुंदा है जिस विच सुबह शाम आने वाले नूं
ये दर्शन फ्री करवाए जाते हैं, वैसे नहीं। ये जो भी पाठ पूजा है ये साडे भले लई है, गुरु नानक नाल जोड़न लई है। जे माया दी भेटा रख देंदे तां कोई ना कोई 150 दे के ही जांदा, पर साधु दा कर्म है नाम जपना ते नाम जपना। माया कठी करनी नहीं। बाबा नानक सिंह जी ने आप श्वास श्वास नाम जपिया अते जपाया है। इसे वास्ते इस सचखंड दे दर्शना दी भेटा बाबा जी ने रखी है। पर इन्हों ने यह देख के कि यह नाम जपना बड़ा औखा है, ये साथों नहीं जपया जाना, इसलिए निराश होकर वापस मुड़न लगे। तो जो उत्थे सेवादार खड़ा सी उहदे मन विच पता नहीं की आई उस वेले, कहन लगा चलो ये फौजी अफसर हन, नाम ही नाम जपन पर दर्शन कर लै, ये देश की सेवा करन वाले हन, ये देश की सेवा ही इन्हों का नाम है। उसने जाण की आग्या दे दी ते नाल आख्या जे बाबा जी दी कृपा हुई तो वह जपा भी लैणगे, वह बहुत समर्था वाले हैं। इन्होंने श्री सचखंड साहब के दर्शन किए, दर्शन करके मन इंज जापता है जिमें निरंकार आप हाजर नाजर बैठा हो। सचखंड वसै निरंकार। सचखंड किसनू आखते हैं? जिमें कि आम किसी भी गुरद्वारा साहब विखे जाओ, जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब का 24 घंटे प्रकाश रहिंदा है उसनू गुरद्वारा साहब कहिंदे हैं, ते जिथे 2-4 घंटे वास्ते सतगुरु विराजदे हन उसनू सचखंड कहिंदे हैं। इसका कारण की है? क्योंकि जो गुरद्वारा साहब है उत्थे संगत भी है ते बाणी भी है, ते बाणी है सच ते शरीर है झूठ। ते जिथे सतगुरु का सुखासन किया जाता है उत्थे केवल ते केवल बाणी ही है। ग्रंथी सिंह जाता है सिर्फ अरदास करके बाहर आ जाता है, केवल सच है, इसलिए उसनू सचखंड कहते हैं। जिमें हर एक गुरद्वारा साहब न भावें सचखंड कह देंदे हाँ, पर जो खास सचखंड की महत्ता है वह है सचखंड श्री हजूर साहब। श्री हजूर साहब के नाल सचखंड लगा है, क्योंकि जिथे किते कदे भी नौ पातशाहियां तक गद्दी दिती गई तो वह शरीर नू गद्दी दिती गई है, पर सचखंड श्री हजूर साहब विखे बाणी नू गद्दी दिती गई है। ते बाणी है सच, इसलिए सचखंड श्री हजूर साहब। इसलिए बाबा आनंद सिंह जी ने भी ये सचखंड बनवाया, ते आम किसी नू अंदर जाने की आग्या नहीं दिती, केवल 1-2 सिंह जान जिन्हां ने सेवा करनी है। नानकसर विच बहुत ही पवित्रता नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब की सेवा की जाती है। इस सचखंड वाले कमरे में बहुत ही सजा के अते बहुत ही सफाई रखी जाती है। दर्शन करके इउं प्रतीत हुंदा है कि निरंकार आप हाजर नाजर बैठा होगा। सचखंड वसै निरंकार। इन्हां फौजी सिंघां ने सचखंड साहब के दर्शन किए, बाद विच जो सामने भूरे बने हुए हैं जो बाबा आनंद सिंह जी का अस्थान है, तपस्या वाला आसन है, उत्थे बाबा आनंद सिंह जी दियां कुछ निशानियां पईयां, बाबा जी का पवित्र जोड़ा भी पिया है। पीएस सोंधी ने बड़े ही प्यार अती श्रद्धा सत्कार नाल अपना सिर उन्हां जोड़ियां उपर रख के मत्था टेकिया, उसका मस्तक उन्हां जोड़ियां नाल छू गया, क्योंकि हुण तां वह जोड़े शीशे के बॉक्स में रखे हुए हैं। पर उस समय संगत की बहुत ही आवाजाई नहीं सी हुंदी, वह वैसे ही पए सन।
तो इन्हां ने दर्शन मेला कीता ते इथों रवानगी पा ली ते लुधियाणे नूं चले गए। कुछ दिनों के बाद पीए सुंदी बीमार हो गए, हालत दिन ब दिन खराब होंदी गई। जदों इलाज का कोई फायदा ना होया तो परिवारक डॉक्टर ने सलाह दी कि इन्हां नूं जल्दी नाल मिलटरी हस्पताल विखे दाखिल करवा दिता जाए। तो परिवार ने मिलटरी हस्पताल जलंधर दाखिल करवा दिता, पर उत्थे जा के भी हालत विच सुधार नहीं होया बल्कि हालत होर बिगड़ती गई। तो पीए सुंदी कोमा विच चला गया अते कई दिन बेहोशी की हालत विच पिया रहा। आखिर इसनूं एस आई अते डी आई लिस्ट विच शामिल कर लिया। डॉक्टरां ने इस दे ठीक होने की आस छड़ दी। एक दिन अचानक इसनूं बेहोशी की हालत विच हैरानीजनक दृष्टांत नज़र आया। उस समय डॉक्टर अते परिवार वाले इसकी मौत की उड़ीक कर रहे सन, पर इस नूं नज़र आया कि एक दरगाही हस्ती जिन्हां ने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं आकाश तो उतर के इस वल आ रहे हैं। उस दे नुरानी चेहरे उपर अते इर्द गिर्द प्रकाश ही प्रकाश है। वह दरगाही हस्ती आकाश तो उतर के आ रही है ते आकाश पाणी हुई कि ये ओ बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलीरां वाले हैं जिन्हां दे पवित्र जोड़ियां ते तू अपना सिर रख के नमस्कार कीती थी। इतने नू बाबा जी पी एस सोंधी दे कोल आ गए। उन्हां दे मुखार बिंद चों अमृत दी तारा वग रही सी। उठो जी नाम जपो, बाबा जी ने अपने मुखार बिंद तों वाहिगुरू वाहिगुरू दा नाम उचारिया तां उसदे बुलां विच भी हरकत आ गई अते ए वी वाहिगुरू दा पवित्र नाम जपण लग गया। तद ही देखिया कि बाबा आनंद सिंह जी महाराज एक उच्चे टिले वल जा रहे हैं ते ओ उत्थे बैठ गए अते फिर समाधि विच लीन हो गए। इन्हें आकाश तो एक सुनहरी प्रकाश का छतर उतरदा होया देखिया जिहड़ा उन्हां दे समाधि स्थान ते झूलन लग पिया। ये जदों वाहिगुरु का नाम जप रहा सी तद ओ नर्स जो उस समय ड्यूटी उते सी ओ आई अते उसने डॉक्टर नूं बुला लिया। इसकी पत्नी भी हैरान हो रही सी। इसने अखां खोलियां अते उन्हां नाल गल्लां करन लग गया। इस दे मूंह पवित्र वाहिगुरू का नाम सुन के इस हालत नूं देख के इस कौतक बारे सारे जानना चाहुंदे सन कि यह किस तरह मौत के मूंह विचों बच गया है। तद इसकी पत्नी दौड़ के गई अते ओ उस बच्ची की जन्म पत्री जो कि इन्हां दे परिवारक पंडित ने बना के एक लिफाफे विच बंद करके दिती सी ते नाल उसने आख्या सी कि मैं इस परिवार का वरियां बधी लूण खाधा है, इसलिए भावें ओ कुछ भी करन दे असमर्थ है पर उसने सच्चाई नूं इस जन्म पत्री विच लिख दिता है। उसने कहा कि बच्ची दे जन्म तों 20 दिन बाद ये पत्री पढ़ी जावे अते अज 21वां दिन ही सी। घरवाली बहुत चाकरत हो रही सी कि मैं जल्दी नाल अज जन्म पत्री भी पढ़ लवां ते मैनू ठीक ठीक पता लग जावे कि ये माजरा क्या है। वो भज के गई ते उस पत्री नूं चुक लियाई ते जदों खोल के पढ़िया तां पंडित जी ने उस विच लिखिया सी कि विधाता दे लिखे लेख हन, मैं कुछ नहीं कर सकता पर दस जरूर सकता हाँ, इसलिए दस रहा हाँ कि ठीक बच्ची दे जन्म तो 21वें दिन इस दे पिता दा स्वर्गवास हो जाएगा। ते जदों ये पत्री पढ़ी तो सब किसी का सिर चुक गया बाबा आनंद सिंह जी अगे। धन ओ महापुरुष हन जिन्हां दे दर्शन नहीं कीते
कोई सेवा नहीं की, बस श्रद्धा अते प्यार नाल उना दे जोड़ियां दे उपर सिर रखिया है ते उस चरण धूल दे सदके मत्थे दे लेख बदल गए हैं। पर वही हुण सोचो, जिन्हां ने बाबा नानक सिंह जी दे दर्शन कीते, जिन्हां ने सेवा कीती, जिन्हां ने उना दे बचना नू मन्या, उना उपर किन्नी मेहर होई होवेगी। सो गुरमुखो, यह है महापुरखां दे चरण धूड़ दी शक्ति। तदे दा बेनती कीती, धूड़ी कर इशनान, संग कर साधु। ये जो भी साडे वास्ते हुक्म है, ये पहला आप अमल करके फिर तकीद कीती। सो गुरमुखो, इस साखी दे विचों जो आपां नूं सिक्ख्या मिलती है, क्योंकि दास उस साखी नूं ही सुनना सुनाउणा चाहुंदा है जिस विच्चों कोई ना कोई सिक्ख्या मिले। बाणी दा भी फरमान है, हो मूर्ख नीच अजान समझा साखियां। ये साडे मूर्ख नीचां नूं समझाउण वास्ते साखियां बणियां हन। जे कल्ला कन रस लैणा होवे तां फिर कहानियां होर बड़ा कुछ हैगा, पर जे साध संगत कोई सिक्ख्या मिले जिस साखी दे विच्चों, उसे साखी नूं ही पढ़न दा सुनन दा सुनाउण दा फायदा है। तो इस साखी विच्चों सब तो वड्डा जो आपां नूं लाभ प्राप्त होया, सब तो वड्डी सिक्ख्या मिली कि जिवें अज कई लोग बाहरों आउंदे हन, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਲਾਇਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ NVI ਚੈਨਲ ਨਾਨਕਸਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।